स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कलर सेंटर्स। जो प्योर एल्कली हैलाइड के क्रिस्टल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। प्योर एल्कली हैलाइड के क्रिस्टल्स जो हैं वो विजिबल रीजियन अगर स्पेक्ट्रम का देखा जाए तो उसमें ट्रांसपेरेंट पाए जाते हैं। किसी क्रिस्टल को कलर करने का कुछ तरीका होता है, जिसमें से पहला तरीका है आप उसमें केमिकल इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर दीजिए। दूसरा जो तरीका है वो है एक्सेस ऑफ मेटल आयन मिक्स कर दीजिए, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ मेटल आयन के वेपर में हीट कर दीजिए। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर में अगर हीट किया जाता है तो फिर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे एफ सेंटर जो है वो डेवलप हो जाता है। वैसे पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको अगर आप पोटेशियम के वेपर में हीट करेंगे तो फिर वो आपको देगा मैजेंटा कलर का क्रिस्टल। इसी तरीके से आप एक्स रे, गामा रे या फिर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट से भी कलर कर सकते हैं किसी क्रिस्टल को। चौथा जो तरीका है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इन चार तरीकों से किसी भी क्रिस्टल को कलर किया जा सकता है। जो कलर सेंटर है वो एक्चुअली होता क्या है? कलर सेंटर एक तरह का लैटिस डिफेक्ट होता है जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कलर सेंटर्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो होते हैं एफ सेंटर्स। अच्छा, यहाँ पर एफ सेंटर नाम कैसे पड़ा? एफ जो होता है उसका मीनिंग जर्मन में होता है फार्ब। फार्ब का मीनिंग होता है कलर। एफ स्टैंड्स फॉर फार्ब, इन जर्मन इट मीन्स कलर। अब ये जो एफ सेंटर्स हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है अगर आप क्रिस्टल को एक्सेस एल्कली वेपर में हीट कर देते हैं तो। जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की हमने बात करी, जो एफ सेंटर्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है कि आप इनका ESR चेक करें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एफ सेंटर्स क्रिएट हुए हैं। जब एक्सेस एल्कली एटम ऐड कर दिए जाते हैं एल्कली हैलाइड क्रिस्टल में, ये एल्कली हैलाइड का क्रिस्टल है, इसमें एक्सेस एल्कली एटम ऐड कर दिया गया, तो उसी समय नेगेटिव आयन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्कली एटम के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री है पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं और जाते हैं वैकेंट नेगेटिव आयन के साइट पे। नेगेटिव आयन का जो वैकेंसी है वो क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर सकता है और इस तरीके से वो बाइंड कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन को। एफ सेंटर्स को ये कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर है। सिंपलेस्ट ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर यानी जैसे आपके पास ये एल्कली हैलाइड का क्रिस्टल है, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, अगेन Na, देन Cl, यहाँ पे आ जाएगा एक Cl, यहाँ पे आ जाएगा एक सोडियम, यहाँ पे आ जाएगा अगेन Cl, देन यहाँ पे आ जाएगा सोडियम। इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, यहाँ पे Cl आना चाहिए, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक वैकेंसी हमको दिख रही है। एक वैकेंसी दिख रही है हमको यहाँ पर, और इस वैकेंसी वाले पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन अगर चला आता है तब ये कहलाता है एफ सेंटर। एफ सेंटर जैसे होता है वैसे ही अगर दो एडजेसेंट एफ सेंटर्स होंगे, ये तो सिंगल एक एफ सेंटर हुआ। अगर कहीं पर दो एडजेसेंट एफ सेंटर्स होंगे, टू एडजेसेंट एफ सेंटर, तो फिर वो कहलाएगा आपका एम सेंटर। अगर थ्री एडजेसेंट एफ सेंटर्स होंगे तो
तो फिर वो कहलाएगा आर सेंटर। जैसे एफ सेंटर क्रिएट हुआ जब एक नेगेटिव आयन या एनायन के वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया तो एफ सेंटर क्रिएट हुआ। वैसे ही एक पॉजिटिव आयन के वैकेंसी में अगर होल ट्रैप हो जाता है तो वो कहलाता है आपका वी सेंटर। तो ये कुछ जानकारी थी एफ सेंटर्स और वी सेंटर के बारे में। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये चीज़ भी पॉसिबल होती है। तो हमारा एफ सेंटर जो है वो एक तरह का डिफेक्ट माना जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर ज़रूर से लाइक करें। ओके देन।